बताने की जरूरत नहीं कि ये वीडियो ईशा अंबानी की शादी का है, और अगर आपने आवाज पर ध्यान दिया हो तो जान ही गए होंगे कि यह आवाज है स्वर कोकिला और देश की सबसे चहेती गायिका लता मंगेशकर की। लता जी ने न सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण किया बल्कि ईशा और आनंद को शुभकामनाएं भी दी। जय श्री कृष्ण। चिरंजीव ईशा और चिरंजीव आनंद, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ईश्वर आप दोनों को हमेशा हमेशा खुश रखे। मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप दोनों के साथ है। माननीय मुकेश जी और मेरी प्रिय नीता जी को मैं हमेशा अपने घर का सदस्य मानती हूँ। ये पूरा परिवार हमेशा सुखी और खुश रहे, यही मेरी मंगल कामना है। नमस्कार। ईशा अंबानी की शादी से इससे पहले अमिताभ बच्चन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कथावाचक बनकर शादी की रस्मों के बारे में अंग्रेजी में मेहमानों को बताया था। हिंदू वैदिक ट्रेडिशन कन्यादान, द गिविंग अवे ऑफ द ब्राइड इज ए सिग्निफिकेंट रिचुअल। ईशा के बाद अंबानी परिवार में बेटे आकाश की शादी श्लोका मेहता से होनी है। ईशा की शादी के बाद अब सबकी नजरें आकाश की शादी पर लगी हुई हैं कि उस शादी में अब कौन सी रौनक देखने को मिलेगी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। जय श्री कृष्ण। चिरंजीव ईशा और चिरंजीव आनंद, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ईश्वर आप दोनों को हमेशा हमेशा खुश रखे। मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप दोनों के साथ है। माननीय मुकेश जी और मेरी प्रिय नीता जी को मैं हमेशा अपने घर का सदस्य मानती हूँ। ये पूरा परिवार हमेशा सुखी और खुश रहे, यही मेरी मंगल कामना है। नमस्कार।